हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 18 साल के लोगों का टीकाकरण में दिखा उत्साह, आज लगाएं कोरोना वैक्सीन। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में लोग वैक्सीनेशन करवाकर खूब भागीदारी निभा रहे हैं। आज मालवाड़ा में राजकीय उमाजी ओखाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए वैक्सीनेशन के दौरान युवाओं में खूब उत्साह देखा गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर असीम परिहार ने बताया कि आज 18 से 45 के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 270 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवाया। सभी लोगों ने वैक्सीनेशन को सुरक्षित बताते हुए अपनी बारी आने पर 2 गज की दूरी के साथ लाइन में खड़े होकर सभी को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। सुबह टीकाकरण शुरू होते ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी लाइन में उत्साह देखने लायक था। तो वहीं टीका लगाने के बाद लोगों में कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान देने की खुशी भी देखी गई। लोगों में किसी तरह की घबराहट या दुष्प्रभाव की चिंता देखने को नहीं मिली। कोरोना वायरस के प्रति फैल रही भ्रांति को दूर कर लोगों से आग्रह किया गया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण में सहयोग करें। आज की व्यवस्थाओं को लेकर इनका रहा विशेष सहयोग। चिकित्सा प्रभारी असीम परिहार, मेल नर्स दिनेश जोशी, दिनेश परमार, विजय सिंह मोहसिन, खेतदान ईश्वर भाई, विनोद कुमारी, सुमन सावित्री, आशा सहयोगिनी, सरपंच प्रदीप सिंह देवल, पटवारी जबरदान चरण, आरआई वक्ताराम पुरोहित, प्रधानाचार्य मोहनलाल गोदारा, मगनलाल भाट, पुलिस चौकी से मांगीलाल विश्रोही, राजेश कुमार, पंचायत सहायक विराट वैष्णव, विजय राणा, इमित्र संचालक नरेश गर्ग सहित व्यापारी मौजूद रहे। डॉक्टर असीम परिहार, इनका कहना है कि आज मालवाड़ा के राजकीय विद्यालय में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 18+ का कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुल 270 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इससे पहले भी आज तक जितने भी कैंप हुए हैं, 2 कैंप और हुए हैं, उसमें भी मालवाड़ा के लोगों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ कोरोना के टीके लगवाए हैं। आज भी सुबह टीकाकरण शुरू होते ही लंबी लंबी लाइनें लगी थी और विशेषकर महिलाओं की लंबी लाइन देखकर बहुत खुशी होती है कि लोगों में यहाँ पर कोरोना के टीके के प्रति किसी प्रकार का भय नहीं। आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे और आशा है कि लोग भी इसी तरह का उत्साह दिखाते रहेंगे। लोगों से भी अपील है कि इस तरह का विश्वास बनाए रखें और अपने बारी आने पर या जब भी समय मिले अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जागरूक टीवी के लिए मालवाड़ा से खास रिपोर्ट।